बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न विद कमल विद योर फेवरेट होस्ट मिसबा कमल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर हो आफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, फूलों की तरह मुस्कराता रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो कहा गया था कि 11th of January को दोबारा स्कूल खुलेंगे, तो आपको मैं आज नहायत ही अहम वीडियो से आगाह करने जा रही हूँ। तो आज आपको मैं बताऊँगी कि क्या स्कूल 11th of January को ओपन हो जाएंगे या इसका दौरानिया मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो वीडियो के जाने बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मिलती रहे मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी और बरवक्त। ये अगर स्कूल सिर्फ बंद किए जाने हैं और पार्क्स खुले रहने देने हैं और मॉल्स खुले रहने देने हैं बच्चों के लिए, तो ये चीज तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हर चीज उसी तरह चल रही है मगर हमने स्कूल बंद कर दिए, जो सबसे जरूरी चीज है। मैं समझता हूं बिल्कुल कोरोना के हालात बहुत खराब हैं, स्कूल बंद होने चाहिए, मगर एट द सेम टाइम अगर स्कूल बंद हैं तो फिर बच्चों को पार्क्स में जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, पार्क्स बंद होने चाहिए। मैं समझता हूं अगर 18 साल से कम का बच्चा अगर मॉल में जा रहा है उसको रोक देना चाहिए, वहां पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। सो अगर हमने पूरी तरह इंप्लीमेंट करना है तो मेरे ख्याल से